सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि देवरिया जनपद में 84 महासभा की जिला इकाई ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान बंद की अवधि तक स्कूल फीस माफ करने की मांग की गई है तथा इसका निर्देश राज्य के समस्त विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं को अतिशीघ्र भेजने का इच्छा जताई है। जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यकारिणी के साथ उपस्थित महासभा के जिला अध्यक्ष दिनेश चौरसिया ने कहा कि अभी पत्र के माध्यम से सरकार को ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर नो फोटो नो फीस अभियान और व्यापक तरीके से प्रदेश में समस्त जनपद में चलाया जाएगा। नो स्कूल नो फीस का बैनर लिए तथा मुंह पर मास्क लगाए चौरसिया महासभा के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी से इस मुद्दे को शासन व सरकार के समक्ष पूरे जोर शोर से उठाने का आग्रह किया है, जिसे मुख्य रूप से संरक्षक सुदर्शन चौरसिया व जिला अध्यक्ष विजय चौरसिया, जिला महामंत्री मुन्ना चौरसिया, सुजीत चौरसिया, उदय वान चौरसिया, उदय राज चौरसिया, एडवोकेट आनंद प्रसाद चौरसिया, रामज्ञान प्रजापति, पत्रकार राम भरोसे चौरसिया और रवि प्रकाश चौरसिया, आनंद पाल चौरसिया, पंकज प्रताप चौरसिया, ब्रिजेश चौरसिया, धर्मेंद्र चौरसिया सहित जिला के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। और भी खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।